हैप्पी दिवाली बोल। हैप्पी दिवाली। कहाँ भाग रहे थे? हाँ ठीक से लगा उधर, ठीक से। हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपने रूम में और जैसा कि मैं हमेशा आप लोग देखते ही होंगे, ये चेयर देखते ही रहते होंगे और ये कंप्यूटर भी कभी कभी दिख ही जाता होगा आपको। तो या और आज है दिवाली से एक दिन पहले, यानी कि छोटी दिवाली। तो जी हाँ फ्रेंड्स, छोटी दिवाली और घर में बहुत ज़्यादा काम है और सब लोग लाइट वाइट लगाने में बिजी है। सो या चाइनीज़ लाइट्स लग रहे हैं घर में, दिया विया जल रहा है और बिलो यू नो सफाई वफाई हो रही है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और हर बार की तरह, जी हाँ, मैं यानी कि ऋषभ राज इस बार भी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। तो आइए चल के देखते हैं दिवाली के प्रिपरेशन। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं छत पे जहाँ पे लाइट लग रही है, चलिए चलते हैं आपके साथ। मेरी शैडो भी मेरे साथ चल रहे हैं, कैमरा उतना अच्छा नहीं है, कैमरा उतना अच्छा नहीं है। और ये हम आ गए हैं छत पे। कहाँ लाइट लग रहा है भाई? ओ लाइट लग रहा है कहीं, ओ पटाखा उठाखा फूट रहा है। यहाँ पे कैमरा उतना अच्छा नहीं है मेरा ना। यहाँ पे गाना वाना बज रहा है, लाइट वाइट लग रहा है और हम काम करना छोड़ के, कुछ हेल्प करना छोड़ के वीडियो बना रहे हैं। देखिए सब क्या है भाई, अभी तक लाइट लगा नहीं है, पर लग जाएगा थोड़ा देर में। वहाँ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, मुझे देख के डर गए। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और बड़े वीडियो बना रहे हैं। मेरे घर वालों ने बहुत ही मेहनत से लाइट लगाई और अब परीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ देखा जा रहा है सारा लाइट जल रहा है, सारा लाइट जल रहा है, ऊपर से मोबाइल गिर सकता है, अब ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। और फ्रेंड्स मेहनत सक्सेसफुल हो गई यहाँ लोगों की। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं छत से नीचे और देखेंगे नीचे में क्या हालत है सबका। यू नो आई एम लाइक ठेकेदार, आई हैव टू सी एवरीथिंग। फ्रेंड्स हम जाने वाले थे बाहर और देखने वाले थे कि क्या हालत है लाइट्स की, पर यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो लग रहा है ऊपर जाना होगा चाबी लाने के लिए। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं ऊपर चाबी। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम चाबी ले ले रहे हैं। चलो फ्रेंड्स हम उल्टा उतर रहे हैं, उल्टा, और ये चाबी लेके जा रहे हैं ताकि ताला खोल पाए। फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए बाहर और बाहर से वीडियो बनाएंगे कि घर का घर कैसा दिख रहा है। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अभी भी लोग मेहनत कर रहे हैं लाइट कैसे लगाना है क्या नहीं करना है। वहाँ मेरे घर वाले लोग और मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ, कोई मुझे कुछ बोल भी नहीं रहा है। सो यार ये देखिए क्या शानदार, वाह बढ़िया सजा दिया गया है क्या। फ्रेंड्स सब कुछ काम पड़ गया और हम लोग को फिर से ऊपर जाना पड़ रहा है चेयर लाने के लिए, चलिए चलते हैं साथ में। हेलो फ्रेंड्स, गलती से चेयर बोल दिया था, स्टूल लाना था। ओके टूल टूल पकड़ो। हाँ ठीक से लगा उधर, ठीक से। हाँ हाँ उधर, हाँ ठीक से सब चीज। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो बालकनी है, इससे आप देखिए शानदार सीनरी नज़र आ रही है जो नीचे और ऊपर से नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मैं यहाँ बालकनी से अब शूट कर रहा हूँ। क्या कैसा लगा मेरा ये आइडिया? खत्म कीजिए। हाय फ्रेंड्स, बज रहे सुबह के 8:30 और मैं उठा हूँ 8 बजे, आधा घंटा से यहीं बाहर कहीं घूम रहा हूँ और मैं आ गया हूँ एक अलग सीक्रेट प्लेस पे ताकि लोग मुझे सफाई करने के लिए ना बोल सकें। ओके बाय फ्रेंड्स, मैं वापस अपने रूम में आ गया हूँ और यू नो अब काम करीब करीब ख़त्म हो चुका है घर का, तो मैं आ गया और घर में बज रहा है गाना, तो नाचना तो पड़ेगा। चढ़ गया
फ्रेंड्स बज रहे दोपहर के दो और आज है दिवाली का दिन। सो अब लगाना है कुछ माला वाला यू नो, और उसमें कुछ रौली धागे ये सब लगाया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं घर का कोई काम नहीं करता हूँ, फिर भी लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये करो। तो बहुत ही मुश्किल से मैं एक माला में मैंने रौली लगाई, और जितने देर में मैंने एक रौली लगाई उतने देर में मम्मी ने सारे फूलों में रौली लगा दी। सो दैट्स हाउ बुड़बक आई एम। देखो ये है फूल जिसमें लगा रौली धागा, और ये है लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल, और वो है दिया वहाँ रखा हुआ है प्लास्टिक में, बस और क्या। फ्रेंड्स मैंने सोचा आज दिवाली है तो दिवाली कैसे मनाया जाए, तो इसीलिए मैंने दिवाली मनाने का एक शानदार उपाय ढूंढ लिया है। जी हाँ, मैं आज देखने वाला हूँ लूडो। अभी तक तो मस्त लग रहा है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए कैसा लगता है। फ्रेंड्स फूल में धागा लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं रुई बत्ती लाने के लिए, और हाँ बड़ा वाला रुई बत्ती लाना है एज टोल्ड बाई माई मदर। फ्रेंड्स जो लोग नहीं जानते हैं, लूडो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहा है फिलहाल, और ये एक नई बॉलीवुड मूवी है एंड इट इन्वॉल्व्स यू नो पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, अभिषेक बच्चन एंड यू नो मेनी मोर। तो बस यार मस्त मूवी है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, अब देखो आगे कैसा लगता है। बाय। हेलो दोस्तों, मैंने ले ली है रुई बत्ती लंबी वाली। दोस्तों कल कॉलोनी रिव्यू में मैंने आपको दिखाया था अपने कॉलोनी को, पर अब देखिए ये पूरा एकदम सजा दिया गया है, आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे, कोरोना ख़त्म हो गया। ये बच्चा दौड़ दौड़ के कहाँ जा रहा है। अरे अरे, हेलो फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 5:20, और अब बनना शुरू हो गया है हमारे घर में रंगोली बाय आर आर्टिस्ट माय दीदी। ओके, सी इज ऑल्सो रियली टैलेंटेड, बट वो मेरे जैसा टैलेंट प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती है। तो अभी तुरंत स्टार्ट ही हुआ है, तो हम जस्ट एक क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम टोटल क्लिप दिखाएंगे जब बने जाएगा। अभी तो मैं भी जानता हूँ अच्छा बनेगा या ख़राब बनेगा, लेट्स सी। देखिए दोस्तों ये है मटेरियल जिससे बनने वाला है रंगोली। हम लोग वो डेमो वाला रंगोली वाला नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वी हैव टैलेंटेड पीपल इन आर हाउस जो खुद बना लेते हैं गुलाल वुलाल से। ओके, सो देखिए अभी बस स्टार्ट हुआ है, और ये देखिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके ओके, सो बाय, मिलेंगे आपसे बनने के बाद। फ्रेंड्स पटाखे जलाने से मुझे डर लगता है, और इसलिए भी मैं कम्युनिटी में अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो इको फ्रेंडली वाला बहाना मार देता हूँ, पर इस बार तो इको फ्रेंडली वाला बहाना भी नहीं मार सकते हैं एज़ पर मैनी स्टोरीज आई हैव सीन इन माई इंस्टा। इसलिए मुझे पसंद है दूसरों को पटाखे जलाते हुए देखना, और उससे एक अलग तरह का सुकून मिलता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना कोई हार्म पहुँचता है और ना कोई डर लगता है, और ना मैं किसी को ज्ञान देता हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने दिवाली में आज पटाखे नहीं फोड़े और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ एंजॉय भी किया है गैस। तो दोस्तों, मैं उन अजीब प्रजातियों में से हूँ जो दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते हैं और फिर वो होली में रंग से नहीं खेलते हैं। ऐसा ज़्यादा नहीं है फेस्टिवल्स में ज़्यादा मैं खाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होता है।